मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर घमासान का दौर जारी है, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया के वायरल वीडियो के बाद अब मंत्री जीतू पटवारी का ट्वीट सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है, वक्त बुरा जरूर है पर बीत जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रस्साकसी बदस्तूर जारी है। कहीं समर्थक सड़कों पर उतरकर अपने खेमे का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं इस्तीफे की धमकी देकर मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं। यही नहीं, पार्टी नेताओं के लगातार अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, तो कुछ नेता खुलकर बोलने के बजाय अपने दिल का दर्द शायरी में बयां कर रहे हैं। जी हां, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे शायराना अंदाज में अपने तेवर जाहिर करते दिखाई दे रहे थे। उनके बाद अब कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने भी शायराना अंदाज में अपने दिल के दुख का इजहार किया है एक ट्वीट कर। वक्त बुरा जरूर है पर बीत जाएगा, चिंतन भविष्य का तुझे पल पल सताएगा, कुछ आस टूटेगी, कुछ ख्वाब बिखर जाएंगे, सैलाब में आंसुओं के कुछ दर्द छिप जाएंगे, तूने जो सोचा है वो पल भी आएगा, वक्त बुरा जरूर है पर बीत जाएगा, जय कांग्रेस। उन्होंने ऐसे समय में ये शायरी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जब कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में है। उन्होंने शेयर पोस्ट किया है जिसकी पहली पंक्ति वक्त बुरा जरूर है से शुरू होती है। ऐसे में अब राजनीतिक पंडितों ने इन पंक्तियों के सियासी मायने भी निकालना शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।